बाद मेरे बेड की हालत आप देख सकते हो, आयरन वहाँ है एंड उनकी सैंडो वो डली है और टाल यहाँ है और उनके रात के जो कपड़े हैं उनकी नाइट ड्रेस शॉर्ट्स उनके यहाँ हैं। तो भाई ऐसे ही रात ऐसे ही सुबह मुझे सब समेट के रखना पड़ता है। आयरन भी वो यही साइड में कर लेते हैं तो इसको रखते हैं। तो उनके जाने के बाद ये सारे मेरे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं। तो ये हैं उनके गंदे कपड़े और जो मुझे वॉश करने हैं, तो मैंने 2 दिन से वॉश नहीं किए थे, कल भी नहीं किए थे। तो ये हो गए उनके 2 जोड़ी कपड़े, तो मुझे वॉश करने हैं। सैंडो हैं एंड ये सारे ही मुझे वॉश करने हैं। तो हैंड वॉश सोच रही हूँ कि 2 के लिए क्या मशीन लगाऊँ, कपड़े बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले ही बहुत सारे कपड़े वॉश कर चुकी हूँ। एज़ यू गाइज़ नो, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। तो अभी मैं इसे हैंड वॉश ही कर लूँगी, देखती हूँ। जीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है हाथ से वॉश करने में, बट ठीक है, कभी कभी ऐसे भी कर लेते हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वरना तो मैं इसको टब में डिप करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए, तो जल्दी से सारे अच्छे से वॉश हो जाएंगे। तो उसको रखते हैं, तो हैंड वॉश कर लेंगे इसको। तो मशीन में तो बहुत ज़्यादा फिर मतलब टाइम जाएगा। और देन नेक्स्ट ये है मॉर्निंग के थोड़े बहुत यूटेंसिल किचन। और आप ये देखो कि ये जो मेहंदी है मेरी 3 दिन से इसी तरह से रखी हुई है, इसको गोले हुए मुझे 3 दिन होने वाले हैं, बट समहाउ कोई ना कोई रीज़न ऐसा हो जा रहा था कि मैं इसको नहीं अप्लाई कर पा रही थी। और इसका कलर देखो कितना प्यारा आ गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ फाइनली आज इसको अप्लाई कर दूँ क्योंकि फिर मेरे पास इसके लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रह जाएगा, बताऊँगी क्यों। तो चलिए कुछ भी काम करने से पहले मैं इसको अपने बालों पे अप्लाई कर लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो मैंने यहाँ बेसन में रख लिया है अपनी मेहंदी को, क्योंकि बेड पर बैठकर लगाओ या कहीं लगाओ तो कन्वीनियंट नहीं होता, तो खड़े होकर सही रहता है और गिरेगी भी, तो इसी में मैं वॉश कर दूँगी इधर उधर। और यहाँ हूँ मैं सुई सुई सी हेलो। इसके बाद मैं इसे बालों में लगा लूँ। बाल बहुत ही ज़्यादा कंडीशन बाल की बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है और अब मुझे ना अच्छे पैक वगैरह और भी लगाऊंगी, बट अभी मेहंदी से हम स्टार्ट करते हैं और बालों को हम अच्छे से पैम्पर करते हैं, बालों को हम अच्छे से इसकी केयर कर लेते हैं। मेहंदी लगाए हुए आप समझ लीजिए मुझे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। मेहंदी मैंने लगाई थी 2 मंथ्स पहले, ठीक है, उसके बाद से मैं मेहंदी लगा रही हूँ अभी, और बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं स्ट्रेटनिंग करने से। वीडियो शूट करने के लिए स्ट्रेटनिंग करनी पड़ती है, उसके वजह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो जाते हैं। इतने भी डैमेज नहीं है, बट ये है कि थोड़ी शाइन मुझे अपने बालों में कम लग रही है। सो दैट्स वाई मैंने सोचा क्यों ना अपने बालों में मेहंदी लगा ली जाए। और ये 3 दिन से रखी है, आप ये देखो 3 दिन से रखी है। कलर तो अच्छा ही आएगा क्योंकि जितना घुल ही रहे मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ही रहता है। तो चलिए मैं इसको लगा लेती हूँ क्योंकि टाइम जो अभी हो रहा है, मैं 10 बज रहे हैं अभी और सारे किचन के काम घर के काम सब कुछ बाकी हैं, वो सब कुछ करने हैं। तो मिलती हूँ आपसे ये मेहंदी लगाने के बाद। जैसे तैसे करके मैंने कैमरे को स्टैंड कर दिया है और थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ कि क्योंकि कोई कोई है जिन्हें मेरी मेहंदी एप्लीकेशन देखना भी अच्छा लगता है। और मेरा ब्रश पूरा टूट गया है, बट जैसा भी है मुझे भी काम चलाना पड़ेगा, फिर मार्केट से मैं लेकर आऊँगी क्योंकि पता नहीं कितना ख़राब हो गया है। मैं ना दूसरों को मेहंदी बहुत इजीली लगा लेती हूँ, बट क्या होता है ना जब हम अपने आप को मेहंदी लगाते हैं तो भाई साहब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। इस मेहंदी को यूज़ करने के लिए मैंने इसमें चाय की पत्ती और कॉफ़ी पाउडर डाला, देन अभी मॉर्निंग में उठ के मैंने इसमें एलोवेरा डाल दिया एंड एक एग डाला, मस्टर्ड ऑयल डाला, मैंने बस इतना ही सब डाला। आज मैंने और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरे जो मेहंदी के पैक रहते हैं हमेशा अलग अलग ही रहते हैं, तो इस बार मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं किया, बस मुझे कलर चाहिए था इसलिए मैंने इसमें, और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी डाला। हल्दी पाउडर भी आपके बालों के कलर को इन्हेंस करता है और बहुत ही प्यारा कलर आता है बालों में, तो वो भी मैंने डाला है। और हल्दी तो बालों के लिए, स्किन के लिए, खाने के लिए, सबके लिए अच्छी ही होती है, इसलिए मैं अक्सर मतलब अक्सर डाल लेती हूँ हल्दी भी। हल्दी
हल्दी अच्छी होती है। मेरा ब्रश टूट गया है ना, तो फिर मेरी मेहंदी पता नहीं आज कैसे लगेगी। और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मेरा मेहंदी वाला ब्रश ख़राब हो गया है। और जब मैंने मेहंदी लगाई ना, तभी हमें वो चीज़ें याद आती हैं, वरना तो कुछ भी नहीं। और लगाने में इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना, इसके आधे तो ख़राब ही हो गया, पता नहीं। अब बस जल्दी जल्दी से मैं एप्लीकेशन कर लूँ। तो मेहंदी लगाने में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। सो मैंने पहन लिए हाथों में हैंड ग्लव्स, और मैं इसी की हेल्प से लगाऊंगी, क्योंकि ब्रश पूरा ही ख़राब हो गया है और अब उसका कुछ भी होने वाला नहीं है। वो डस्टबिन में फेंकने के लायक हो गया है। तो अब मैं हाथों से ही अप्लाई कर लूँगी। कपड़े मैंने जो भिगा के रखे थे उसे भी एक घंटा होने वाला है ऑलमोस्ट। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, और इसके बाद मेरे बहुत सारे काम करने हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कपड़े अपने धुल गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो चलो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ीनू लई खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, सुबह से इतना ज़्यादा मैंने आधा ही दिन पूरा शूट कर लिया आफ्टरनून तक, और मैंने सलाम नहीं करी आपसे, और इंट्रो शूट नहीं हुआ इसी तरह से। तो मैंने सोचा खाना वाना बाद में खाते हैं, हालांकि मुझे भूख बहुत ज़ोरों वाली लग रही है। और अभी जस्ट 2:30 बजे मैंने नमाज अदा कर ली है ज़ोहर की, लेट हो गया क्योंकि मेहंदी वगैरह लगाई, देन हैंड से कपड़े वॉश किए, हैंड वॉश किए, मशीन नहीं लगाई, तो इससे मुझे ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया। एंड अभी भी जो भी आगे का रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और तो मैं आपको बता दूँ, मैं कभी भी कपड़े हाथों से वॉश नहीं करती हूँ। आपको लग रहा होगा ये कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ मेरे लिए है, क्योंकि मैंने कभी कपड़े अपने हाथों से वॉश नहीं किए। मैं वन आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग भी देखेंगे तो मोस्टली मैं मशीन से ही वॉश करती थी कपड़े। फिर क्या हुआ, मैं सोचती थी क्यों, मतलब जब मशीन से मैं एक हफ्ते में कपड़े वॉश करती थी तो मेरे साथ क्या होता था, 2 से 2.5 घंटा एक दिन में चला जाता था, क्योंकि सारे कमरों की बेडशीट्स हो जाती थी, देन ड्राइंग रूम के सोफे कवर जो भी कुछ भी होता था बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो ना 2 घंटे सुबह से मेरे चले जाते थे। तो फिर मैं एक महीने से पहले मैं क्या कर रही थी, जितने भी कपड़े डेली के मेरे हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े होते थे और मेरे डेली वाले होते थे, मैं डेली से हाथ से वॉश करने लगी। फिर एक दिन क्या हुआ मुझे, मैं दोपहर का लंच कर रही थी, मैंने ये ब्लॉग में कभी नहीं बताया क्योंकि मैंने ब्लॉग तब उस टाइम शूट नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। अभी 1 मंथ पहले की ही बात है कि मैंने हाथ से कपड़े जब मैं वॉश कर रही थी तो मेरा राइट हैंड साइड पर ये नेक था, इतना सीवियर वाला पेन हो गया था कि मैं लेट नहीं पा रही थी, एंड अपनी जो नेक थी वो इस तरह से मूव नहीं कर पा रही थी। अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन है पीछे, और मैं अगर ऐसे करती हूँ तो पूरा मेरा ऐसा नहीं जा रहा है, और ये इस साइड तो मेरा ठीक है और इस साइड नहीं जा रहा है। तो मैं
मतलब बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ, हस्बैंड को अगर पता चलेगा कि मैंने आज हाथ से कपड़े वॉश किए तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, तो मैं नहीं वॉश करी थी। और अपना तो ऐसा है कि डेली के कपड़े रहते हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते हैं, साथ के साथ धुल जाते हैं। बट क्या होते हैं, हस्बैंड मेरे ज़्यादातर वाइट शर्ट ज़्यादा पहनते हैं, या मतलब प्लेन वाइट नहीं पहनेंगे तो लाइनिंग वाइट, वाइट उनके ज़्यादा कपड़े रहते हैं ऑफिस में। एज यू गाइज नो, अगर आपके भी हस्बैंड जाते होंगे तो ऑफिस जाते हैं जो भी, तो वो लोग लाइट शर्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं पहनना, तो और ट्राउजर्स भी हैवी हो जाते हैं हाथ से धोने में। तो मैंने एक या दो हफ्ते इस तरह से करा, डेली डेली हाथ से कपड़े वॉश किए, तो मतलब मैंने सोचा नहीं था इतना सीवियर वाला मेरा पेन चल गया था। 4 से 5 दिन तक वो रहा, फिर मैंने डॉक्टर से दवाई ली, डॉक्टर कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, मेरे पापा ही डॉक्टर हैं, तो उन्होंने ही मुझे दवाइयाँ दी और फिर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बट फिर भी मैं ज़्यादा, फिर वो डोजेज़ ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मैंने नहीं ली। थोड़ा इतना है कि मैं बेयर कर पा रही हूँ उस पेन को, और तो मैंने छोड़ दी। फिर भी मुझे इस तरह, जब मैं अपनी नेक को इस तरह से घुमाती हूँ ना, तो मुझे हल्का सा पेन होता है, और तो इसलिए मैं हाथ से कपड़े बिल्कुल नहीं धोती। टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है हाथ से कपड़े वॉश करने में, बट मैंने सोचा अभी धो लेते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे अब शादी की शॉपिंग जैसे स्टार्ट हो जाएगी तो घर में रुकना होने वाला है नहीं है, मार्केट के चक्कर लगने वाले हैं, तो इसी तरह से फिर इसलिए मैंने सोचा कपड़े नहीं छोड़ के जाते हैं। फ्रेंड्स अभी जो टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं, तो चलिए मैं अब क्या कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो मेरे घर में शादी, तो मैं कर रही हूँ पैकिंग, और बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे और भी ख़रीदनी हैं, और तो मैं आपके साथ जब पूरा सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे कि हम ऑनलाइन भी बाय करते हैं वो भी सारी चीज़ें हैं, तो वो सब जब मैं मंगा लूँगी उसके बाद मैं एक अच्छा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, अपना शॉपिंग ब्लॉग जो मैं बना रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन अभी मैं उसे सारी चीज़ों को जो जो मेरे पास है वो मैं पैक कर रही हूँ, क्योंकि सब कुछ तो न्यू नहीं लेते हैं हर डे के लिए, बट जो जो मेरे पास न्यू न्यू है जिससे मैंने कम वेयर किया, वो भी कुर्ती वो भी सूट वगैरह लेकर जा रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ये है मेरे बेड की कुछ कंडीशन सारी ही, ये मैंने ये सारा आप देख सकते हो, वो मैं आपको बाद में फ्रंट उससे दिखाऊंगी बैक कैमरे से। और बैंगल्स वगैरह रखना है, मेकअप रखना है, कुछ कुछ चीज़ें इसी तरह से रखनी है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे रखनी है, और यही सारी चीज़ें मैं लगा रही हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ कि डे में क्या पहनेंगे, शाम में क्या पहनेंगे, इस तरह से दो दो के अकॉर्डिंग मैं सूट लगा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती जाती हूँ हल्दी वाला आउटफिट, जिसे मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। कलर मैंने ये लिया है, और क्या है पूरा बाद में जब ब्लॉग शेयर करूँगी तब दिखाऊँगी, ठीक है। तो ये सारा मैं रख रही हूँ, ये है मेरा मेहंदी का, तो ये मेरा मतलब सूट है, इसको ये रख रही हूँ मैं मेहंदी के लिए, और भी डेज़ के लिए हैं, ये रेड वाला है। तो ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं क्या 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 रखना है, तो सबको अच्छे से पहले मैं अरेंज कर लूँ फिर आपको दिखाऊँगी मैं। तो मैंने यहाँ पर रख लिया है एक सूट हल्दी के लिए, देन यहाँ ये मेहंदी के लिए रख लिया है, देन यहाँ और भी जो डेज़ होंगे उसमें हम पहनते हैं पिंक, ब्लैक एंड रेड, और एक यहाँ ब्लैक रखा है, देन यहाँ पर इस तरह से मैंने ये रख लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बैंगल्स रख लिए हैं, ये अभी तो और भी बैंगल्स हैं जो मुझे मार्केट से लानी है, तो अभी बहुत ही कम है ये, तो अभी मैंने मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना रख लिया इसमें मेरी अभी मुझे बैंगल्स भी और लेनी है, तो अभी तो थोड़ा थोड़ा सा जो भी है रख रही हूँ मैं बस, इसके अलावा तो बस बाद में आपको बताऊँगी। सो फ्रेंड्स मेरी पैकिंग पूरी डन हो गई है, यहाँ पर मैंने अपना मेकअप का पाउच रेडी कर लिया है, सब कुछ जो जो नेसेसरी वाली चीज़ें होती हैं वो रख ली हैं। इसमें मेरे 3 से 4 हैंडबैग हैं और ये मैं लेकर जाऊंगी, देन यहाँ मैंने सारे ही सूट डे नाइट के लिए सब कुछ निकाल लिए हैं, और इस बैग के अंदर अब मैं इसको रखना स्टार्ट करती हूँ। ये है मेरे चूड़ी के बॉक्सेस, तो इस तरह से मेरी पैकिंग डन हो गई है, और चलो इसके अंदर रखते हैं, देखते हैं आता भी है क्या नहीं। और ना मैंने पैकिंग कर ली है, पैकिंग करते करते मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो गई ना, और बस कर लिए है जैसे तैसे करके, आधे से ज़्यादा सामान अभी मतलब सोचो आया भी नहीं है, लहंगा वगैरह भी बैग में नहीं रखा है, तो मैं अपना ट्रॉली वाला बैग होता है वो तो मैं नहीं लेके जा रही हूँ, मैं छोटा वाला एयर बैग लेके जा रही हूँ, बट वो भी ट्रॉली है। बट कहीं जाओ मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट इसी तरह के बैग होते हैं, पता नहीं अभी न्यू भी ले सकते हैं हम लोग, हस्बैंड बोल रहे थे कि न्यू ले लेंगे, तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो मैंने जैसे तैसे करके अपने सारे कपड़े रख लिए हैं, बट अभी इसमें आधे से ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, क्योंकि अभी और भी कुछ लेना है तो उसमें डालना है, और बस ऐसा ही है।
और बहुत मज़ा आता है ना, मतलब शॉप, मुझे तो शॉपिंग करना बड़ा ही अच्छा लगता है। और ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसे शॉपिंग करना नहीं पसंद हो, सबको शॉपिंग करना अच्छा लगता है। कौन होगा जिसे शॉपिंग करना नहीं। और भाई मुझे तो शॉपिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, बैंगल्स वगैरह लानी है एंड ऑल्टर के लिए भी चीज़ें डली हैं। तो जब सब कुछ मेरे पास आ जाएगा ना, तो मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। और बस जल्दी से आते हैं वो, और बस चलिए, तो मिलती हूँ आपसे बाद में, खाना खाने के बाद मिलती हूँ। तो फ्राई मंगा लिया था, फ्राई आ गया है, और यहाँ पर है चिकन, और यहाँ है शोरमा। बहुत दिनों के बाद मैं आज खा रही हूँ। और इसमें है रुमाली रोटी और नान रोटी। अब मैं अपना डिनर कर लूँ। सो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा है, रात के 11:30 बज गए हैं, और अब जाके खाना वाना खाया हम लोग ने, लेट खाया। और बस अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, यूटेंसिल्स क्लीन कर दिए हैं, किचन क्लीन हो गया। इतना करते करते इतना टाइम हो जाता है रात में, तो अब जाके मैं फ्री हो गई। अब बस हम सोने जा रहे हैं, और हस्बैंड अभी भी म्यूज़िक सुन रहे हैं रात में भी। और पर मैं बोल रही हूँ कि बस अब रेस्ट कर लो। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ज़्यादा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूं, तो आपको भी मेरी एक बात माननी होगी, और आपको मेरे ब्लॉग्स को शेयर करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मैं, अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो मैं डेली ब्लॉगिंग तो नहीं बोलूँगी, हाँ, लेकिन वीक में 2 ब्लॉग ज़रूर करूँगी, और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय।